अल्लाह और अल्लाह के रसूल वसल्लम के हाँ कैसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन और इस आसमान ने अबू जर से बढ़कर कोई सच्चा नहीं देखा वो रब जो सच्चा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सऊदे का उनके ये साथी रूए जमीन पर बहुत ज्यादा सच्चाई पर आमिल इनका नाम जिंदब अबू जर इनका इनकी मसीहुल इस्लाम हदीस के हवाले से इनका लकब मसीहुल इस्लाम इनके जहद इनके तकवा और इनके तर्क दुनिया के हवाले से लकब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सिलसिला नसब जुंदम बिन जुनादा इबन कैस बिन अमर बिन मलील बिन सईर बिन हजाम बिन गफार बिन मलील बिन खमजा बिन बकर बिन अबना बिन कनाना बिन कुमा बिन मदरका ग़ारी माँ का नाम रमला और इनका ताल्लुक भी कबीला गफार से था हजरत अबूजर गफारी का ताल्लुक गफ़ारी कबीले से है और गफ़ारी कबीला जालियत के दौर में रहजनी और डकेती के नाम से जाना जाता था बड़े बड़े राहजन हुए और यह कबीला इज्तमाही तौर पर भी राहजनी बहुत सरगरम था और हजरत अबुजर गफ्ारी रजी अल्लाह ये भी बड़े मशहूर राहजन थे कैसे रब दिल बदल देता है कैसे अल्लाह किसी को हदायत दे देता है और आज ही हमने देखा मन अनाब अल्लाह उसको हदायत देता है जो उसकी तरफ रजू करता है बहुत बड़े मशहूर राहजन थे और यहां तक जाना जाता है कि अकेले तन तनहा जुरत और बड़ी दलेरी के साथ कबीलों को और काफिलों को अकेले लूट लेते थे लेकिन बस जब दिल बदल गया तो हालत बदल गई इस रहनी से तायब हो गए इस्लाम कबूल करने से पहले ही दीने तोहीद पर जम गए अल्लाह वाहिद के परस्तार हो गए और एक रब का एतराफ करने लगे बल्कि खुद अपनी रुदात बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करने से पहले तीन साल पहले मैं नमाज पढ़ता था मैं नमाज पढ़ता था और लोग पूछते थे कि किसकी किसके लिए नमाज पढ़ते हो तो मैं कहता था कि अल्लाह की इबादत करता हूं लोग कहते थे किस सिमत की तरफ रुख करते हो तो मैं कहता था जिस तरफ मेरा अल्लाह फेर देता है उसी तरफ फिर जाता हूं ये वो दीने इब्राहिमी जो बिल्कुल मस्क होके रह गया था उसके बाकियात तो मौजूद थे तो लिहाजा दीन तोहिद को पहचान कर अल्लाह के साथ इबादत का ताल्लुक कायम करने का तरीका रसोल्लेसम पर इस्लाम कबूल करने से पहले अपना चुके थे हमें पता चलता है कि इनको खबर भी किसी शख्स ने रसोल के बारे में खबर भी कुछ इन अल्फाज में दी कि अबू जर तुम तुम जिस जला कहते हो उसी जात की तरफ दावत देने वाला एक और शख्स भी जाहिर हो गया है इन उस, उस कलमे को मानने वाला एक और शख्स है उसने नबूबत का इजहार कर दिया अब जब यह खबर रसुल्लम की मिली तो हजरत अबू जर गफारी के कबूल इस्लाम के दो वाकत हमें पता चलते हैं एक वाकया तो हमें बुहारी से पता चलता है और फिर एक इसके अलावा भी है मैं दो दोनों का जिक्र कर देती हूँ यहाँ पे एक वाक्य हजरत अब्दुल्ला बिन अबास रजी ताला की रवायत से आता है और दूसरा वाक्य खुद उनकी अपनी जबान से हल्का सा फ़र्क है इसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अबास रजी अल्लाह तआला की से जो वाक्य आता है वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू जर को जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान और दीन तौहीद पर जमने वाले एक नबी का ऐलान का पता चला तो इन्होंने मक्का में तहकीक और तस्दीक के लिए अपने भाई अनीस को रवाना किया ये मक्का में आए और फिर जब वापस तशरीफ़ लाए तो इन्होंने खबर दी पूछा कि वह शख्स क्या किस चीज़ की दावत देता है जिसके साथ नबूबत को मंसूब किया जा रहा है या जो अपने लिए नबूबत का दावा करें तो भाई अनीस ने आके कहा कि खुदा की कसम वह शख्स नेकियों की तालीम देता है और बुराइयों से रोकता है ये एक बड़ी जामईयत के साथ रसोल्हलम की दावत का तारफ तो था लेकिन ये ऐसा लुब्बे लुबाव था कि डिटेल वजह नहीं हुई इस पर इन्होंने कफ़ायत नहीं की और फिर खुद मक्का तहकीक के लिए रवाना हो गए हजरत मक्का में आया तो मैं खाना की दीवार के साथ उसके पर्दे के छुप के बैठा रहा कुछ देर। अब कहते हैं कि कुछ दिन पहले दिन मैंने इनडायरेक्टली जैसे पूछने की कोशिश और रसुल्ला की तलाश को जारी रखा मुसाफिर है पराय इलाके में आए हुए हैं खाने पीने का कोई ज्यादा राह भी नहीं तीन दिन इस कैफियत में रहे और हजरत अबू जर गफफारी रजी अल्लाह फरमाते हैं कि इन दिनों में मेरा खाना पीना तुआम और मशरूब गोया आबि जमजम ही था और यह आबि जमजम के मोजात में से एक मोज़ा है कि ये भूख भी मिटाता है और प्यास भी बुझाता है मेरा ख्याल है इस पर मैं पहले बात भी कर चुकी हूँ पहले दिन की शाम हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने वहां पे एक मुसाफिर को पराए मुसाफिर को अजनबी को जब खाना काबा के पर्दे के साय में बैठे हुए देखा तो इनके बापत पूछा और इनको बना के मेहमान अपने घर ले गए सुबह वापस लाके हरम के पास छोड़ दिया कि जहर किस काम से आए हैं कहते हैं कि अगले दिन फिर मैंने तलाश जारी रही लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई तारुफ और ताल्लुक मुझे नहीं मिला हजरत अली ने अगले दिन फिर वहीं बैठे हुए देखा फिर अजनबी को अपने घर ले गए और तीसरे दिन शाम को फिर ले गए अब जब तीसरे दिन यहां पे छोड़ा तो इनसे पूछा कि आप बुनियादी तौर पर किस काम के? कि मतलब मैं रोज आपको यहां छोड़ जाता हूं अगले दिन आता हूं फिर आप यहीं पर ही होते हैं तो किस काम से आए क्या कर्ज है क्या मकसद है तो इस पर हजरत बुजरकारी फरमाते हज़रत अली से यह तस्करा किया कि अगर मेरे आप इस राज को अफशा न करें यानी मेरे आने के मकसद को लोगों तक खोल के बयान न करें तो मैंने इस तरह मोहम्मद मैंने सुना है कि इस इलाके में एक शख्स ने नबूत का ऐलान किया है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ही मन अनाब अल्लाह किस हदायत देता है ये हदायत का कायदा कोई जुल्म ज्यादा ना इंसाफी का तरीका नहीं है अल्लाह उसको हदायत देता है जिसके दिल में इसका शौक इसका शकब इसकी तड़प हो जो इसके लिए दुआएं मांगता हो और फिर इसको ढूंढने के लिए हदायत के लिए एख दिन सरातुलमस्तकीम की शग और शरब शगफ और शौक के साथ वो निकल आए और इसकी तलाश के लिए अपने कदम उठाता है तो फिर अल्लाह सुबहाना गुमान से बढ़ के मामला फरमाते हैं देख लीजिए इतनी बड़ी बस्ती में हजरत अबू जर गफारी का एन हजरत अली रजी अल्लाह त से मुलाकात कुछ रवायात में पता चलता है कि सिर्फ चार लोग ईमान कबूल करी चार लोगों ने इस्लाम कबूल किया था और हजरत लेकिन हजरत अली के साथ मुलाकात अल्लाह अल्लाह की मदद किसके साथ होती है हदायत के दरवाजे वो उसके लिए खोलता है जो अपनी हदायत की तलब और तड़प के लिए निकल आता है अल्लाहलमस्तकीम अल्लाह हमें अनाबत की तोफ़ी कत फ़रमा अल्लाह हमें अपनी खुशियों में गमियों में फैसलों में रंज में दुख में बीमारी में ज़िंदगी के फैसलों और मराहल में हर वक्त हर हाल में रब की तरफ रजू करने वाला खुश नसीब बना अल्लाह हमें भी इस अनाबत और रजू अल्लाह के ज़ेवरात से रास्ता फ़रमा अल्लाह नुम मुस्तकीम हज़रतली रज़ी बहुत खुश हुए और हज़रतली ने फरमाया कि मैं चलता जाता हूँ क्योंकि उन दिनों में भी पुषिदा तौर पर काम हो रहा था पुशकीन मक्का का खौफ पीता ज़ाहिर है मैं चलता जाता हूँ आप मेरे पीछे पीछे आते जाइए जहाँ पर कुछ ख़तरा लगेगा मैं अपने जूते को दुरुस्त करने के हवाले से ज़रा सा रुक जाऊँगा आप मेरे से आगे गुजर जाइएगा ये मामला तय पाया और यूं हज़रतली रसोल स पास हज़रत अबुर को फ़ारी को पहुँचाने में कामयाब हो गए हज़रत अबर गफ़ारी कुछ रवायात में आता है कि आप को देखने पर उन्होंने फ़ौरन ही फरमाया असल या रसोल्ला वसलम आप के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया आपसे दीन के बुनियादी अहकाम जो हैं वो सीखे और साथ ही अल्लाह के रसूल सल्हलम ने यह फरमा दिया कि अबू जर तुम अभी अपने दीन को पोशीदा रखो तुम अपने दीन को पोशीदा रखो वापस अपने घर लौट जाओ यहाँ तक के मेरी नबोवत का ऐलान हो और फिर साथ ही ये फरमाते हैं कि मैंने उसी वक्त कहा या रसूल अलैहि वसल्लम मैं अपने दीन को छुपा नहीं सकता मैं अपने दीन को छुपा नहीं सकता और ये कहने के बाद हजरत अबू जरगारी मुशीन मक्का के दरमियान गए और कल तैयबा पढ़ के मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर ईमान का ऐलान किया मारे गए पीटे गए इतना मारे गए कुछ में आता है कि हज़रत अब्बास ने फिर गफारी कबीले का शख्स है।, तो है और तुम्हारे तजारती का, काफले जो हैं उनके राह पर बैठे हुए हैं अगर उनके किसी शख्स को मारोगे तो फिर देख लो तुम्हारे तजारती काफलों का वो रहजन गफारी कबीला क्या हाल करेगा तो बस इस खौफ पे फिर उन्होंने गफारी को छोड़ा बहुत ही ज्यादा निढ़ाल हुए हुए और मारपीट के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए आपने फरमाया मैंने तुझे रोका नहीं था कि तू तो अपने इस्लाम का इजहार ना कर बहरहाल इस्लाम के इस इजहार के साथ इन नकूबतों का लुत्फ भी आया उन दुखते हुए जख्मों के साथ ईमान की हलावत और चाशनी भी नसीब हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये हुक्म दिया कि अब आप अपनी बस्ती की तरफ वापस पलट जाएं वो दूसरा वाक्य ख़ुद इनकी अपनी ज़बान से है वो ये कहते हैं कि एक दिन मेरा भाई कुछ रवायात में आता है कि कुछ ढूंढने के लिए या किसी तजारत के गरज से या कुछ रवायात में आता है कि मुझसे रूट के मक्का चला गया और वहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ ख़बर ला के जब उसने मुझे बताई तो मैं तस्दीक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए मक्का निकल गया वहां मैं पहले दिन जब गया मैंने लोगों से कुरैश मक्का से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा तो मारा गया पीटा गया दूसरे दिन भी मामला ऐसा ही किया गया और तीसरे दिन मैं अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा दिया गया तो राय हक का रास्ता हदायत का रास्ता आसान नहीं है इसमें रुकावटें भी हैं इसमें मुश्किल भी हैं लेकिन हदायत उसी के कदम चूमती है अल्लाह की रहमतें उसी के कदम चूमती हैं जो साबित कदमी से हदायत के रास्ते पर चलता रहता है अल्लाह माहरातलमस्तकीम हजरत अबारी ने इस्लाम कबूल किया रसूल की जो ताक़द थी उसके मुताबिक अपने कबीले वालों के पास वापस आए पहले अपने भाई अनीस को दीन पेश किया और उनको दायरा इस्लाम में दाखिल किया फिर छोटे भाई अमना का तस्करा आता है कि उनको दीन पेश किया उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और फिर ये तीनों भाई जो हैं वजहली वज़ीरम में नाहली एक दूसरे के वज़ीर और नायब बन गए और पहले आधा गफ़ारी कबीला जो है वो हिजरत से पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और बाकी का आधा कबीला जो है वो इन भाइयों की कोशिशों और काविशों के साथ हिजरत के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े मुआविन और सपोर्टर कबीला बन गया हिजरत करके मदीना हमें कुछ रवायात से पता चलता है कि गजबाए खंदक के बाद तशरीफ़ ले गए थे क्योंकि जो इब्तदाई गजबात हैं उसमें इनके मारके और उन जंगों में इनका शामिल होना जो है वो रुदाद हज़रत अबू जरगफ़ारी रज़ी अल्लाह उनके हवाले से मौजूद नहीं है मदीना के जो इब्तदाई ग़ज़वात हैं अलबत्ता उनकी जो मवाख़ात है कि भाईचारा किसके साथ करवाया गया था कुछ किताबों में मुंजर बिन अमरु का तस्करा आता है कि रसोल्ह ने हज़रत मुंजर के साथ इनका भाईचारा करवाया और कुछ जो तारीख़ की किताबें वो कहती हैं कि हज़रत अबू जर गफारी ने हिजरत वरासत के और वसीयत के जो मीरास के अहकाम के आए थे उसके बाद वो मदीना में हिजरत करके आए और उसके बाद मीरास के के बाद आपने किसी के दरमियान भाईचारा नहीं करवाया था तो इनकी मुआत ये उन महाजरी ने मदीना में से हैं जिनकी मुआखा किसी अंसारी के साथ नहीं करवाईगी तो दो आर बहरहाल मौजूद है मदीना में क्याम के दौरान नबी सलम की खिदमत और मस्जिद में क्याम बुनियादी तौर पर ये दो ही चीजें आपका उड़ना बिछोना था यहाँ तो मस्जिद नबी में बैठे रहते थे और यहां रसूल सल्ला खिदमत पे अपने आप को मामूर रखते थे तो ये खिदमत रसूल और मोहब्बत मस्जिद से ये इनका तरीका और अगर हम गज्बों में तस्करा देखते हैं तो गज़वा तबूक में हज़र तबोजरगफफारी का वाक मौजूद है हमें पता चलता है कि अल्लाह के वसल्लम जब साहबा को कस्बे तबू की तरफ ले जाए ले गए और सफ़र पर रवाना हो गए तो जो साथी पीछे रह जाते थे उनके बारे में रसूल अलैहि वसल्लम गिरी भी करते थे और साहबा कराम को उनकी खबर और उनकी हालत और उनको इनक्रेज और काइल और माइल करने की ताक़द करते रहते थे तो एक दिन जब रसोल सल्हे वम को हज़र तबर गफ़ारी अपने लश्कर के साथ शामिल हुए नजर आए तो उनके बारे में पूछा गया और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे पता क्या चला कि हजरत अबू बुज़र गफारी की जो सवारी थी अपनी सवारी के साथ शामिल थे अपनी जो सवारी थी वो इनकी सवारी बहुत सुस्त हो गई पहले तो सवारी को मारा और चलाने की कोशिश की लेकिन जब सवारी नहीं चलती थी तो हजरत अबू अबुज़र गफारी ने सारा सामान उतारा अपने कंधों के ऊपर लादा और बस पैदल ही चलने लग पड़े अब जब ये पैदल चल रहे थे तो इसलिए वो काफिले से जरा पीछे रह गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पड़ाव किया क्याम किया तो दूर से लोगों ने किसी शख्स को जब आते हुए देखा कि उसने अपने कंधे पर अपना सामान उठाया हुआ और बगैर सवारी के पैदल चलते आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर ही फरमाया देखो अबू अबूजा रोंगे देखो अबू अबूजर होंगे क्योंकि पहले रसूल वसल्लम ने देख रखा था कि अबू जर साथ शामिल हैं और साहबाकर ने वाकई देखा तो अब आज अबूजर ही थे पैदल थे थके हुए थे बहुत ज्यादा और अपना सामान भी अपने कंधों पर उठाया हुआ था और पैदल ही पीछे से आके लश्कर के साथ शामिल हो रहे थे इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अबू जहर पर अबू ज़र पर रहम फरमाए वो तन्हा चलते हैं तन्हा ही फौत होंगे और कयामत के दिन भी वो तन्हा ही उठाए जाएंगे तो ये वसल्लम ने उनके तबूक के मौके पर फरमाया और बाकी भी जंगें थीं इसके बाद रसुल्लि वम बफ से नफीस जिनमें शामिल थे उसमें हजरत अबूसर ये सवाल ही पैदा नहीं होता ना जो हर वक्त अपने आप को खदमत रसूल वसल् पर मामूर रखते हैं वो कैसे हम रिकाब नहीं होंगे कि बाकी लोगों की तलवारें जो हैं वो नज़े निकल आते थे और अबू जर गफारी के हर मैदान जंग में ये साथ बहरान आप के साथ शामिल थे रसोल सल्सम की वफ़ात के बाद इनका दिल मदीना में नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा आपकी जुदाई का गम भी था और बहुत ज़्यादा मदीना के मामले में ये कि इनका बहुत ज़्यादा परेशानी और उदासी का शिकार थे और तबीयत के अंदर एक जहद और दुनिया से कट जाने का वो एहसास और दुनिया की चीज़ों से बेरगबती इनके मिजाज के अंदर बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा नज़र आती है और फिर जैसे जैसे वसल्लम की वफ़ात हुई तो फिर ये जहद और ये तकवा जो है ये अजलत नशीनी ये गोशा नशीनी और तरक दुनिया का जरिया भी बन गया तो अगर हम हज़रत अबूबकर सदी रसी अल्लाह तौर में और हजरत उम्र के दौर में देखते हैं तो ये बुनियादी तौर पर माल से जायदादों से हकूमतोंदों दार से बिल्कुल कट के अलग होके बैठ गए थे बल्कि शाम के इलाके में मुंतकिल हो गए थे क्योंकि मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद बहुत सताती थी, थी तो शाम के इलाके में मुंतकिल होकर हिज्जत करके तशरीफ ले गए और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक तारे को दुनिया रहबानियत का कोई थोड़ा सा तस्वुर इनकी जिंदगी में नजर आता है लेकिन याद रखियेगा रहबानियत का जवाब इसलिए नहीं निकाला जा सकता कि आम ईसाइयों के राहबों और पादरियों की तरह इन्होंने निकाह का अमल नहीं तर किया था क्योंकि ये नबी सला की सुनत पर आमिल थे इनकी बीवी भी थी और इनकी बीवी इनके साथ ही रहीं बहरहाल माल उदा हकूमत और ये दुनिया की ये चीजें जो है इनसे बेरगबत हो गए और जाहिद हो गए और उस हवाले से इन चीजों को तर्क किया अब शाम में जब हजरत उस्मान उनका दौर हुआ तो जहिर फतूहत का सिलसिला भी बहुत ज्यादा हो चुका था और माल बहुत इस्लामी रियासत के पास आया था और इतना माल जब आया तो फिर कसर और रिवान भी बनने लगे महलत भी बनने लगे जरक वर्क पोशाखें भी पहनी जाने लगी तो इनको ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते थे मुसलमानों की हालत देखे बल्कि उनका दिल ये करता था कि सबके दिलों की कैफियत वही बना दें जो इनके दिल की कैफियत लेकिन लोगों के दिल चोर है वो बदल चुके थे और इनका यहां तक इनका तस्वुर था कि वो कहते थे कि किसी मोमिन मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अगर किसी और को भूखा नंगा देखे या बेलिबास किसी को भूखा देखे तो अपने पास माल जमा करना उसके लिए जायज और हलाल ही नहीं है हालांकि ये तस्वुर उस दौर के जो मुखलिफाय कराम थे या जो सरदार थे उनका तस्वर तो इसके बिल्कुल बरखिलाफ था अगर उस दौर में हम देखें तो जो उम्र थे वो सारे वो ये समझते थे कि अगर किसी के पास माल और दौलत अल्लाह के हुक्म से आया है तो उसको जखीरा करने में हरमत का मामला नहीं है उसको अपने जायज़ इस्तेमाल में लाना दुरुस्त है बहरहाल इस वजह से खुलफा इक्राम के साथ और सब के साथ और सरदारों और गवर्नरों के साथ इनकी बहुत ज़्यादा नाचाकी और बहस और वो मामला भी होता था तो म, अमीर माविया ने जब वो गवर्नर थे शाम के तो अमीर माविया ने हज़रत अच्छा उस्मान को कहा कि इनको वापस अपने पास बुला लीजिए क्योंकि अमीर माविया के साथ हजरत अब गफारी का इस माल के जमा करने और इस माल के आ, कंस के हवाले से बहुत ज्यादा इख्तलाफ राय होता था हजरत उस्मान के पास आ गए और मदीना में यहाँ पे रहे तो हजरत उस्मान ने कहा कि अब आप इधर ही क्याम करें और आपके लिए सुबह शाम उठनीों का दूध भी होगा और आपके लिए खादिम और मुलाजिम भी होंगे तो जैसे हल्की सी खफगी के साथ हजरत उस्मान को कहा कि मुझे तुम्हारी ये दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए मैं अल्लाह की खुदादाद नेमतों में बहुत राजी और बहुत पुरसकून हूं अभी मदीना से भी निकल गए क्योंकि इनका हाल यह था कि इनके पास इल्म बहुत ज्यादा था और जहां बैठते थे लोगों का एक जमे गफीर इनके पास जमा हो जाता था और फिर वो लोग बहुत ज्यादा खिदमत का भी इसरार करते थे तोहफे हदीये भी देते थे तो मदीना की बस्ती को भी इन्होंने महज इसलिए छोड़ दिया कि यहां रहूंगा तो दुनियादारी के अंदर उलझ जाऊंगा और जाहो हशमत और हकूमत और उहदे और इकदार और माल के चक्रों में उलझा रहूंगा मदीना की बस्ती के बिल्कुल करीब हमें पता चलता है कि रब्दा का गांव है वहाँ पे चले गए और वहाँ पे बनू सालबा वालों ने बहुत खिदमत खातर की फिर वहां से छोड़ के बिल्कुल सराई इलाके में अकेले तन तनहा अपनी बीवी के साथ रहते थे और वफात का मौका भी कुछ ऐसा था कि इकतीस हिजरी इकतीस हिजरी रसूल वसल्लम के बाद इनकी वफात हुई तो इकतीस हिजरी का मौका है और एक सहरा में ये दोनों मियां बीवी बिल्कुल गांव के भी बाहर जाके एक छोटी सी इनकी झोंपड़ी थी वहां पे ये दोनों आ, रहते थे वफात के वक्त जब बहुत बीमार हैं तो बीवी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो बीवी से पूछ के कहते हैं कि तुम इतना क्यों रो रही हो तो बीवी ने कहा कि हम सहरा नशीन हैं हम इस इतने सहरा में अकेले आप और अकेली मैं और आपके जोड़े और मेरे जोड़े के अलावा हमारे पास कोई कपड़ा भी नहीं है कि मैं आपको कफन भी पहना सकूंगी और साथ फूट फूट के रोने लगी तो बीवी को तसली दी कि देखो कहने लगे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशखबरी सुनी है कि जिस मुसलमान के दो या तीन लड़के मर चुके हों तो वो उसके लिए आग से बचाने के लिए काफ़ी हैं इनकी कसीर औलादें ला औलाद फौत हुए इनके बेटे इनके बच्चे हुए लेकिन छोटी उम्र में बच्चे फौत होते थे तो बीवी को तसली दी कि तुम मेरे लिए जहन्नम की फिक्र तो ना करो क्योंकि मैंने रसोल सलम से ये खुशखबरी सुनी है कि जिसके तीन लड़के फौत हो चुके हों तो वो आग से बचाने के लिए काफी बशरते कि क्या उसने सब्र किया की रजा के लिए और फिर फरमाते हैं कि मैंने नबी सलम को कुछ लोगों के सामने ये कहते हुए देखा कि तुम में से एक शख्स सहरा में मरेगा और उसके मौत के मुसलमानों की जमात आ जाएगी की उस में में थे, वो सारे आबादियों में फौत हो चुके हैं और अब अकेला मैं रह गया कि ने उस गुरोह को मुखातिब करके फरमाया कि तुम में से एक शख्स अकेला सेहरा में फौत होगा लेकिन उसकी वफात के वक्त एक मुसलमानों की जमात खुद ही कहीं से आ पहुंचेगी तो अब कहने लगे कि अब वो बाकी सारे लोग जो उस वक्त महफिल में मौजूद थे जिसमें से आपने एक ही निशानदेही थी वो सारे के सारे शहरी आबादियों और बस्तियों में फौत हो चुके हैं और अब अकेला मैं रह गया हूं तो कि हदीस के वादों पे कितना यकीन था कि इस वक्त भी मौत की उन बेहोशियों में भी यकीन था कि अगर रसुल्ला गोई की है तो अब मैं वो वाद फर दूँ मेरे हक में एक जमात आएगी जरूर मतलब उस वक्त भी ईमान की हालत उतना ही तवक्ल उतना ही यकीन और वसल्लम की हदीस के वादों पर उतना ही कामिल ईमान तो बीवी को कहते हैं जाओ जाके देखो जमात आने वाली होगी तो बीवी ने कहा कि अब जमात कहाँ से आएगी खुजाजगराम जो है सारे हाजी जो हैं वो भी रवाना हो गए हैं रस्ते जो हैं वो बिल्कुल बेयाबान हो गए हैं अब कहां से आएगी कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जमात आती ही होगी यानी अपना वक्त भी करीब नजर आ रहा था बीवी जो है कभी वो रस्ते पे जाती थी फिर वापस आके इनकी खबरगिरी करती थी तो थोड़ी देर के बाद बीवी आई और वापस कहती हैं कि वो एक ग्रोह जो है ना छोटा सा काफला दूर से आता हुआ नजर आ रहा है ये यमन के कुछ लोग थे ये कुफा से आए थे ये आए इन्होंने बीवी से पूछा कि ये कौन है आप लोग कौन है इन्होंने तारुफ करवाया कि ये नबी अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबु ज़रगफ़ारी हैं तो इन्होंने कहा कि इन पर तो हमारे माँ बाप क़ुर्बान हो ये आए हजरत अबू ज़रग़ारी के पास ये जो बिल्कुल मौत की भी में पास बैठ गए और इस पर हजरत अबू ज़रगफारी ने इन लोगों से पूछा कि देखो अगर हमारे कपड़ों में से मेरे या मेरे बीवी के कपड़ों में से कफ़न बनता हुआ तो हमारे कपड़ों से ही कफन दे लेना लेकिन अगर हमारे कपड़ों से कफन ना बनता हुआ तो फिर तुम अपने किसी कपड़े को इस्तेमाल कर लेना लेकिन मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि तुम में से कोई शख्स अगर उहदेदार है यानी अगर कोई साहिब हुकूमत कोई उहदेदार है तो वो मुझे कफन ना पहनाए यानी सिर्फ ये नहीं कि खुद खुदे से भी बेरगबती थी खुद हुकूमत इकतदार से भी बेरगबती थी और औरारों के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे आज तो लोग भाग भाग के खुद भी ओदे लेते हैं और उहदेदारों के साथ दोस्ती की तरह और पिंगे बढ़ाते हैं तो कहा कि तुम में से अगर कोई खुद खुदेदार है ना तो फिर वो मुझे कफन ना पहनाए सिर्फ एक अंसारी लड़का था जिसने कहा कि मेरा ना किसी ओदे के साथ ताल्लुक है और ना मैं उहदेदार हूं तो कहने लगा कि मेरे पास दो कपड़े हैं एक मेरा है और एक मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ कपड़ा है मैं उससे आपको कफन पहनाऊंगा इस ग्रोह में बहरहाल हमें पता चलता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे लेकिन उनके पास कोई जिम्मेदारी हुकूमत की बहरहाल मौजूद थी जनाजा उन्होंने पढ़ाया और कफ़न जो है वो इस बच्चे ने लड़के ने अंसारी लड़के ने पढ़ाया जिसके पास कोई हुकूमती उद्दा नहीं था एक उनका अपना जोहत का और एक तकवा का बहरहाल मामला और इनके होलिया के हवाले से अगर देखें तो ऊंचे रंग के थे ऊंचे कद के थे स्याही माइल रंगत थी घनी दाढ़ी थी और दाढ़ी और सर के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके थे वफात के वक्त इनके तरका क्या छोड़ के गए तीन गधे, इनमें से दो आ, मादा और एक नर गधा, थोड़ी सी बकरियां और बस कुछ बर्तन ये कुल इनका तरका था जो अपनी बीवी के लिए पीछे छोड़ गए और अगर इनके फजल और कमाल के हवाले से देखें, तो इल्म का एक समुंदर थे इनके इल्म की तस्दीक हजरत अली रजी अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत अबू जर के पास एक वसी समर इल्म का था लेकिन इस इसको उन्होंने लोगों तक क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं करते थे खामोश तबाह थे तनहाई पसंद थे दुनिया से ज़रा कट ऑफ हो गए थे लेकिन इल्म का एक समंदर इनके पास था हदीस के हवाले से अगर हम देखें तो अल्लाह के रसूल सल्हम के कलाम से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और दो सौ इक्यासी 281 एटी वन अदीस हज़रत अबो जरगफ़ारी रज़ी अल्लाह त से मरवी हैं हालांकि इल्म तो बहुत ज़्यादा था, था, था लेकिन अदीस की तादाद हज़रत अबू हुररा और बाकी सहाबा से बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि कम गो थे बोलते बहुत ज़्यादा नहीं थे बहुत थोड़ा बोलते थे लोगों से मिक्सअप बहुत नहीं करते थे और वैसे भी अलग थलग कटे हुए रहते थे तो इसलिए अहदीस का ख़जाना इनसे बहुत थोड़ा मरवी है इन दो सौ इक्यासी में से हमें पता चलता है कि बारह अदीस मुतफिक लाए दो अहदीस बुखार की और सात अहदीस जो है वो मुस्लिम की हैं तो ये का एक तो ये ये का खजाना एक कि इनके मिजाज की वजह से और दूसरा इनके तकवा और एहतियात कम पहुंचता है और फतावा में भी दीन का इल्म बहुत ज्यादा था और किसी दीन के मामले में जब ये फतवा देते थे तो बड़ी जरूरत और सदाकत के साथ बगैर किसी से डरे हुए बगैर लाग लपेट के फतवा देते थे पता चलता है कि एक दफा किसी आ, माल के हवाले से कोई फतवा दे रहे थे तो नौजवान खड़ा व सुन रहा था फतवा तो उस नौजवान ने कहा कि आप फिर फतवा दे रहे हैं हालांकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तन का कि उन्होंने आपको इस मामले में फतवा देने से मना किया है तो फौरन बड़ा गुस्से में आके कहते हैं क्या तुम मेरे निगेबान लगे हुए हो क्या तुम मेरे निगबान हो जिस के हाथ में मेरी जान है अगर तुम मेरी गर्दन पर तलवार भी रख दो और मुझे यकीन हो जाए कि मेरी गर्दन कटने के करीब है तो जो कुछ मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है उसको मैं जू का तू पहुंचा दूंगा ये है वो हक गोई यह है वो हक गोई जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इस जमीन पर इस जमीन ने और इस आसमान ने अबू जरगफारी से ज्यादा सच्चा कोई नहीं देखा और यही है सच्चों की सिर्फ कि वो सच बोलते भी हैं और सच को लोगों तक पहुँचाते भी हैं याद रखिएगा सच्चा सिर्फ वो नहीं जो बोलता सच है सच्चा वो भी है जो पूरे का पूरा सच लोगों तक पहुँचाता भी है बगैर लाग लपेट के अल्लाह हमें सच्चाई पर जमने की तोहफी गता फरमाए इखलाक और आदत से अगर हम देखें तो मैं आपको बार बार जो इनकी एक सिफ्त बता रही हूं कि जोहत बहुत ज्यादा दुनिया से बेरगबती दुनिया के साथ कोई ताल्लुक ना रखने की ख्वाहिश तकवा का पैमाना है हकूमत इकतदार दारों से भी अलग रहते एक मौका हजरत अबू मूसा अशरी ये इराक के गवर्नर थे और जायरा साहबा में साथी थे और बड़ी देर की मदीना की रफाकत थी तो हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत उमर के दौर में हज़रत अबू मूसा जो इराक़ के गवर्नर हैं इनको आके हज़रत अबू जर गफ़ारी के सामने मुलाकात हुई और भाई भाई कह के ना इनको लिप, लिपटने के लिए आगे बढ़े तो अबू ज़र गफ़ारी ने कहा मुझसे दूर रहना मुझसे दूर रहना मुझे ना छूना तुम्हारे पास हुकूमत है हम जा जा हुकूमत वालों को गले से लगाते हैं और हुकूमत वालों को जो है उनसे ताल्लुक का करीब करके समझते हैं कि शायद बहुत तरक्की हो जाएगी लेकिन अबू मूसा आशरी ये भाई भाई कहते रहे लेकिन उनके करीब नहीं लगे फिर दूसरे मौके पर फिर चंद दिन के बाद हजरत अबू मूसा आए और फिर भाई भाई कहते रहे तो फिर उनको रो के कहा कि तुम वहीं पर बैठ जाओ पहले मुझे बताओ तुमने कोई बड़ी बड़ी इमारतें और महलत तो नहीं बनाए हैं? तुमने कोई जरात और खेती बाड़ियाँ तो नहीं करनी शुरू कर दी और तुमने जानवरों के बड़े बड़े गले और गला बानी तो नहीं शुरू कर दी उन्होंने कहा नहीं तो फिर कहते हैं अब तुम तो मेरे भाई हो यानी तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे अहदे इकदार ने तुम्हें माल की हवस में अगर नहीं मुब्तला किया तो फिर ऐसा अहदेदार मेरा भाई है और मेरा ख्याल है आप सब ने वाक्य सुन रखा है कि सादगी और ये दरवेशाना जिंदगी की तो वो हाथ देना कि एक इनके दोस्त बताते हैं हजरत जर गफारी का वाक्या कि ए मैं इनके घर आता जाता था और घर में पहले बहुत सादगी थी लेकिन कहते हैं कि मैं हर मुलाकात पे जाता था तो मैं देखता था कि इनके घर का सामान घटता जाता है कि जितना सामान पिछले दिन था अगले दिन उससे कम सामान होता ये हयात तय्यबा का वाक्य वसल्लम की हयात तय्यबा का वाक्य बाद में तो बहुत गया ना। तो है कि मैं रोज ही देखता था कि है। कुछ दिन तो मैंने देखा फिर आखिर में मैंने सवाल किया चला जा रहा है तो ये सामान कहाँ जा रहा है तो बुजर ने फरमाया कि असल बात है कि देखो मेरे भाई मैंने घर कहीं और बना लिया और मैं अपना सामान मुंतकिल कर रहा हूँ तो दोस्त भी समझदार सा दोस्त था जहर दोस्ती भी तुम उससे करो जिसे देख के तुम्हें खुदा याद आए दोस्त भी इनका दोस्त था तकवा और जहत को पहचानता था तो फौर ही कहा कि अच्छा ठीक है आपने घर वहां बना लिया और आप अपना सामान वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं लेकिन कुछ तो अपनी हाजत के लिए भी रखें तो इस पर हजरत अबू जहर अबू जरगाफारी ने फरमाया कि देखो मेरे भाई असल में मुझे और मेरी बीवी को इस बात का यकीन हो गया कि इस घर का मालिक हमें यहाँ ज्यादा देर रहने नहीं देगा तो ये जो एहसास इनके ऊपर था जैसे रसुल्ला ने एक दफा इनको फरमाया ना कि अबूजर इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो तो आपलम का ये कह देना कि मुसाफिर की तरह रहो ये मुतहरक हो गया और फिर सारी जिंदगी जैसे मुसाफिर अपने ज़्यादे राग को कलील से कलील करता है ये सामान घटाने के चक्कर में रहे और इतने ज्यादा वाकियात हैं हसरत मरवान अबू मरवान कहते हैं कि मैंने एक दिन इनको देखा ऊपर नीचे दो दिन देखा और एक ही ऊन की पशमीने की चाद पशमीने की आज वाली पशमीना नहीं होता पश्मीने का मतलब ऊन होता है तो मोटी ऊन की एक चादर थी जो इन्होंने एक ही चादर ली हुई थी दो दिन से तो मैंने मरवान अबू मरवान कहते हैं कि मैंने पूछा कि आप एक ही कपड़ा कितने दिनों से पहने हुए हैं हालांकि कुछ दिन मैंने देखा था कि आपके पास दो जोड़े थे तो वो कपड़े कहाँ गए तो कहते हैं कि मैंने मुझे एक शख्स मिला जिसको लिबास की मुझसे ज्यादा हाजत थी तो वो दूसरा जोड़ा मैंने उसको दे दिया तो अबू महरबान कहते हैं मैंने कहा कि आपको भी तो हाजत थी तो कहते हैं कि नहीं उसको मुझसे ज्यादा हाजत थी और मुझे क्या हाजत है एक जोड़ा मेरे पास है देखो उसमें से एक चादर मैंने पहनी हुई है और दूसरी चादर मैंने मस्जिद के लिए रखी हुई है मतलब ये वो वो जो तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था ना कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने के लिए जाए तो उसे साफ सुथरा उजला लिबास पहनना है एक ही जोड़ा है यानी दो कपड़े हैं सिर्फ चादर के एक चादर रूटीन में पहनने के लिए रख लेते थे और दूसरी मस्जिद के लिए मुख्तस की हुई थी मेरे पास है तो सही एक जोड़ा उनमें से एक मैंने पहना हुआ है और दूसरा मैंने मस्जिद के लिए मुख्तस करके रखा हुआ है और मेरे पास एक खादिम भी है मेरे पास एक खच्चर भी है मेरे पास दो बकरियाँ भी हैं इससे ज़्यादा मुझे और क्या हाजत है तो ये सादगी थी ये तरक दुनिया नहीं था ये रहानीयत नहीं थी ये सादगी थी और ये जोहत था ये तवक्कुल था ये तनात थी इनके रवैये से तरक दुनिया और रहबानियत का तस्वर वजह नहीं होता और वैसे भी तरक दुनिया की नफी इनके निकाह के हवाले से साबित हो जाती है कि रहबानियत के अंदर तो निकाह का तस्वर भी वो लोग उठा दिया जाता है ना हजरत अब्दुल्ला बिन खराज कहते हैं कि मैंने एक दिन देखा तो वो साए वाले दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और एक ऊन का एक नमदे वाला गद्दा जो है ना वो उस पर बैठे थे और काली सिया फाम इनकी बीवी थी तो कहते हैं कि मैं पास गया तो मैंने पूछा कि आपकी तो कोई औलाद भी नहीं है बीवी भी सियाफ आम है तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारी सारी औलादें हमसे दारुल फना में लेके हमारे दारुल बका के जो खजाना है ना अजर का उसके लिए रख दी कि ये इस छोटी सी आर्जी दुनिया में हमारी अल्लाह ने ले ली हैं और उनके लेने के बदले जो हमने सब्र किया उसको हमारे दारुल अब जो इतना बड़ा आखरत का घर है उसके लिए खजाना हमारा बना लिया तो वो दोस्त ने क्या कहा कि अगर आपकी बीवी भी ऐसी थी और आपके बच्चे भी बार बार इंतकाल करते थे तो आपने दूसरी शादी क्यों ना कर ली क्योंकि अरबों के अंदर तो ये बहुत ही रहाइ था तो कहने लगे कि बहरहाल मेरे लिए एक ऐसी औरत के साथ निकाह करना ज्यादा पसंद था जो मेरे अंदर तोज़ो और आजी पैदा करे यानी मेरी को बड़ी हसीन सी बीवी होती तो शायद मेरे अंदर भी तकबर हो जाता तो मेरे नजदीक ऐसी औरत से निकाह करना मेरे लिए ज्यादा पसंदीदा था जो मेरे अंदर तोज़ो और आजी का जरिया बने फिर एक और वाक्य पता चलता है कि वो हबीब भी नबी मुस्लिम वो कहते हैं कि मैंने तोफतान तीन सौ अशरफिया भेजीं और तीन सौ अशरफिया जूं इनके घर तोहफा आईं आई तो ये सारे की सारी अशरफियाँ जो है ना वो अपने गुलाम को दे दी और गुलाम को कहा कि इनको फी से बीर तकसीम कर दो और साथ ही तोहफा देने वाले को खत में लिख दिया कि मेरे अलावा अल्लाह के मामले में धोखा खाने वाला और कोई नहीं मिला तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा खाने वाला कोई नहीं मिला था कि मुझे तीन सौ शफियाँ तुमने भेज दी, यानी उसके साथ नाराजगी का तस्करा भी कर दिया माल सारा तकसीम भी कर दिया और साथ ही उसको लिख दिया कि हमें सिर्फ सर छुपाने के लिए साया दूध के लिए एक बकरी सवारी के लिए एक जानवर और साथ हमें खदमत के लिए एक लॉन्डी चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है इससे जायद की मुझे ज़रूरत नहीं ये तवक्कुल था ये कनात थी ये जुखद था ये हब्ब दुनिया से दिल का खाली होना था ये रहबानियत का तरीका हर किस नहीं था और फिर इनका एक कॉल यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा कॉल लिखा हुआ है फरमाते हैं कि लोग मौत के लिए पैदा होते हैं आज का तस्वर नहीं है ये लोग मौत के लिए पैदा होते हैं वीरान होने के लिए आबादियां बसाते हैं फना होने वाली चीजों की हरस और तमा करते हैं और बाकी और पाइंदा रहने वाली चीजों को छोड़ देते हैं वो नापसंदीदा चीजें मौत और फकर मेरे लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा है तरजीहत इस दुनिया के हवाले से फर्क थी और फिर हमें वो वाक्य इमरान बिन हुसैन ने कहा कहते हैं मैं गया मस्जिद में तो वो बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि अबू जर आप अकेले क्यों बैठे हुए हैं तो कहने लगे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल और अल्लाह के रसूल सल वसल्लम से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि जब भी रसूल सल्हे वसलम का नाम लेते थे ना तो बड़ी मोहब्बत में हमेशा क्या कहते थे मेरे दोस्त ने यह कहा है मेरे दोस्त ने यह कहा है रसूल सल्लम को मेरे दोस्त कह के हमेशा पुकारते थे तो उन्होंने कहा कि आप अकेले क्यों बैठे हुए तो फरमाने लगे कि मेरे दोस्त ने यह कहा है कि तन्हाई बुरे हम चीन से बेहतर है आज बुरे बद किरदार शैतानी मशवरे देने वाले हम नशीनों को गले से लगाया जाता है और उन सोबतों को अपनाया जाता है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरे हमनशीन से क्या बेहतर है कि तुम अकेले बैठे रहो इससे ज्यादा बेहतर तो सोबतों के हवाले से भी और अल्लाह के रसूल सल्हे वसलम से तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी और बहुत ज्यादा अकीदत का इजहार जो है वो करते थे और नबी सल वम की अहकाम जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मानते थे वो एक बात क्या आते किसी ने ना लोग इतनी ज्यादा इनसे मोहब्बत करते थे कि तोहफे भी देते रहते थे और जितना तोहफा आता था सारे का सारा फौरन तकसीम कर देते दे थे दे। एक दफा किसी दोस्त ने दो चादरें दे दीं और ये दो चादरों का एक का तो उन्होंने तैबंद बना लिया क्योंकि पिछला तैबंद जो है वो फट गया हुआ था और उसके साथ सतर पूरा ढांपना मुश्किल हो रहा था तो एक चादर का तो तैबंद बना लिया और खुद छोटी सी कंबली ओढ़ के दूसरी चादर अपने गुलाम को दे दी तो साथियों ने कहा कि आपको दोनों कपड़ों की जरूरत थी आप रख लेते ऊपर आपने छोटी सी कंबली पहनी हुई है वो आपने चादर उसको गुलाम को दे दी तो साथी कहने लगे मेरे दोस्त ने कहा है कि जो खुद पहनते हो अपने ग़ुलामों को भी वैसा ही पहनाओ रसोलम की हदीस पर अमल का तरीका और फिर आप के हवाले से हब्ब रसूल इस कदर ज़्यादा के रसोल्ला सल्ह वसलम से एक दफ़ा मिले तो साथ ही फरमाते हैं यार रसोल सल्हसम अगर आदमी को किसी शख्स से मोहब्बत हो हुँ? अगर आदमी को किसी शख्स से मोहब्बत हो लेकिन वो उस जैसे अमल ना कर सकता हो तो फिर वो क्या करे हुँ? अपनी मोहब्बत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि अगर आदमी को किसी से मोहब्बत हो लेकिन वो उसके जैसे अमल करने की ताकत ना रखता हो तो फिर उसका मामला क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू जर जो शख्स जिसके साथ मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ जन्नत में जमा किया जाएगा मतलब अगर तुम्हारी मुझसे मोहब्बत है और तुम पूरी की पूरी सुनत का इतबा नहीं भी कर सकते तो तुम्हारी उस मोहब्बतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तुम उनके साथ होगे और रसूल रसोल की वफ़ाद के बाद तो ये अंदाज़ था कि जब रसूल सल्ल की हदीस या सुनत के हवाले से कोई उनसे सवाल करता था ना तो एक दफ़ा रसूल रसुल्लम का नाम लेते थे और रोना शुरू कर देते थे फिर का नाम मुबारक जबान पर आता था फिर रोना शुरू कर देते थे मतलब वो जुदाई का एहसास इतना गम इतना ज़्यादा कि आपका नाम आते सारना वो मोहब्बत की शिद्दत थी कि बात उनसे कम होती थी और के नाम पे रोना शुरू कर देते थे रसली वल् भी इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और यहां तक था कि बहुत दफ़ा जब आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ भी मिलाते थे और कई दफ़ा बोस्ा लेते थे और अपने गले से लगाते थे वफात के वक्त भी जब हजरत अबू ज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने हाथ बढ़ा के हाथ भी मिलाया और फिर गले से चिमटाया हजरत अबूर गफारी को और यहां तक हमें पता चलता है कि आप इतने करीब थे हजरत अबू जर से कि अपने बहुत दफ़ा राज भी हजरत अबू जर के साथ शेयर करते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ताकीद की थी कि अगर मेरे बाद हुक्मरान कुछ ऐसे हो गए कि हकूक ज़्यादा भी लेने लगे तो तुम क्या करना उनके खिलाफ तलवार ना उठाना बल्कि उनकी इताअत करना तो बहुत ज़्यादा खिलाफ खुलफा राशिदीन की भी वो फरमाबरदारी और अतात करते रहे और यहाँ तक कहते थे कि अगर मेरे पर एक हबशी गुलाम को भी हाकिम बना दिया गया तो मैं उसकी भी फरमा बरदारी करूँगा और बल्कि वाकई जब दबदा में रहते थे तो एक हबशी के पीछे उन्होंने नमाज भी बहरहाल अदा की और अख्लाक के हवाले से ये था कि अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाते हैं और ज़िंदगी इसी पे गुजरी कहते हैं कि मेरे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सात बातों की वसीयत की मस्किनों से मोहब्बत करना और उनसे मिलना जुलना अपने से नीचे वाले को देखना और बुलंद को ना देखने की कोशिश करना किसी से सवाल ना करना सिला रहमी करना हक बोलना खत تلخی क्यों ना हो खुदा के मामले में किसी मلامत का खौफ ना करना और ला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द कसरत से करते रहना वफात के वक्त तक ये सातों वसीयतें जो रसूल वसल्लम ने की, उन पर आमिल भी रहेबाना ताली हमें ज़ुहत भी दे तकवा भी देवक् भी दे कनात भी दे ईमान भी देब रसूल अलैहि वसल्लम के जेवराज से आरस्ता करके हमें जन्नत में आपका कुर्ब और हमसाई की अताफ़ फरमा दे अबानाला तोलूबा नाबाद इस हद ताना वहाबलाना मिल्ला तो उनका रुहमा इन्ना आमीन सुम